हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉरएवर। आज हम आलू पूरी बनाएंगे। इसे हम आलू मसाला पूरी भी कहते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और आप इसे किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हो। तो चलिए देखते हैं आलू मसाला पूरी कैसे बनाई जाती है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नए नए फूड रेसिपीज वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं आलू मसाला पूरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 3 कप व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, 4 बॉयल और ग्रेट किए हुए पोटेटोस, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, 2 टेबल स्पून ऑयल और स्वाद अनुसार नमक। तो पहले हम एक बाउल में 3 कप व्हीट फ्लोर लेंगे, फिर हम उसमें 4 बॉयल और ग्रेट किए हुए पोटेटोस ऐड कर लेते हैं, फिर हम उसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक यानी कि हल्दी, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स और 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेना होगा। और अब हमें इसे मैश कर लेना होगा, फिर हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो बना लेते हैं। इसका डो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। ये देखिए डो रेडी हो चुका है, तब हम इस पर 1 टीस्पून ऑयल अप्लाई कर लेते हैं और इसे एक बार वापस नीड कर लेंगे। अब हमें इसे कवर कर लेना होगा और इसे हम तकरीबन 15 मिनट तक रेस्ट होने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो रेडी है, तब हम इसे एक बार नीड कर लेंगे। और अब हम इसे पूरी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डो अपने हाथों में लिया हुआ है और फिर हम इसे रोल करके प्रेस कर लेना होगा। इसी तरह हम बाकी की पूरी भी बना लेते हैं और फिर हमें इसे ऐसे रोल कर लेना होगा। ये देखिए पूरी रेडी हो चुकी है, तो इसी तरह हमें बाकी की पूरी को भी रोल कर लेना होगा। अब हमें पूरी को हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना होगा। पूरी को हमें ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करना होगा ताकि वो अच्छे से फूल जाए। ये देखिए पूरी धीरे धीरे फूलने लगी है, तब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। ये देखिए आलू मसाला पूरी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इसे हम एक टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बिंग पेपर पर निकाल लेंगे ताकि सारा एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तो अब इसी तरह हम बाकी की पूरी को भी फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए आलू मसाला पूरी रेडी है। ये दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है और ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।